देखो इज नाउ बीइंग आज हम फोल्डेड। लोग आज हम देखो हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि एमबीएस वगैरह में कौन कौन से केसेस थे जो एमबीएस से अफेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद हमने मॉडल रिस्क का देखा। अब आज के इसमें हम लोग मेजरली ना स्वॉप्स स्वॉप्स से कैसे इन लोगों को लॉस हुआ था, स्वॉप्स, और फिर वापस से वही कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स तो आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, रेप्यूटेशन रिस्क, और रेप्यूटेशन रिस्क और साइबर रिस्क का देखेंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है ना फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का, इसको स्किप करना है, इसमें कुछ खास लिखा नहीं है, यहाँ से चालू करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लिखा है कि डेरिवेटिव वगैरह की वजह से क्या क्या हुआ था। मेजर इसमें सिर्फ केसेस है कि क्या क्या केस हुए थे। बैंकर्स ट्रस्ट, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट केस है, इसके आने के चांसेस है, एक क्वेश्चन आ सकता है शायद, मतलब पता नहीं, देखो पूरे चैप्टर में से दो या तीन आएंगे, लेकिन इसके आने के ज्यादा चांसेस है, आ भी सकता है ऐसा। तो बैंकर्स ट्रस्ट में क्या था, इसने क्या किया था, पीएनजी करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पहले तो बैंकर्स ट्रस्ट का बताती हूँ। बैंकर ट्रस्ट का मेन काम था रिस्क मैनेजर जैसा काम करता था। कोई भी कंपनी को रिस्क होती थी ना, तो उसकी रिस्क मैनेज कैसे करनी है ना, वो ये बताता था बैंक ट्रस्ट, बैंकर्स ट्रस्ट। तो फिर पीएनजी को मेजर प्रॉब्लम थी इंटरेस्ट रेट रिस्क की। इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर हमें कम करना है तो हम क्या यूज करेंगे? हाँ, कोई मुझे बताएगा, अगर मुझे इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करना है तो मैं कौन सा डेरिवेटिव यूज करूंगी? मार्केट में कौन सा डेरिवेटिव चल रहा है? चल रहा है, नहीं चलता था, स्वॉप यूज कर सकते हैं। कौन सा, स्वॉप, आईआरएस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स होते हैं ना, इससे हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क से बच सकते हैं। तो इसने क्या, तो पीएनजी ने बैंकर्स ट्रस्ट को बोला कि आप मेरी हेल्प करो। तो फिर बैंकर्स ट्रस्ट ने पीएनजी को बोला कि ठीक है, आप और मैं, हम दोनों एक स्वॉप में एंटर करते हैं, जैसे बैंकर्स ट्रस्ट एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ठीक है, जो मोस्टली 5% होगा, अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, और ये जो पीएनजी होगा ये एक फ्लोटिंग रेट देगा। मतलब फ्लोटिंग रेट मतलब कैसे, फेडरल रिजर्व के जो रेट्स चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट के रेट्स के हिसाब से एक देगा, ठीक है, फ्लोटिंग रेट देगा जो अराउंड 6% रहता है मोस्टली, ठीक है। तो ये 6% देगा और इससे 5% लेगा, तो इसमें क्या 1% का, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 4% है, ठीक है। तो ये जो 1% का जो प्रॉफिट है ना, जो ये 5% ले रहा है, ये 1% का प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, पीएनजी। तो ये इन लोगों का काम ऐसे चलेगा, और वे बैंकर्स ट्रस्ट को अलग से एक फीस भी देगा। यहाँ पे इन लोगों ने सेम चीज लिखी है, ठीक है, अप्रोच्ड पीटी, पीएनजी अप्रोच पीटी टू हेल्प मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बोथ यूएस डॉलर्स एंड डॉश मार्क्स, ठीक है। द जर्मन करेंसीज एट दैट टाइम, वो टाइम पे जर्मन करेंसी ऐसी होती थी, ठीक है, तो उनको यूएस डॉलर्स और जर्मन करेंसी के बीच का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क थी ना, वो कम करनी थी। तो फिर आफ्टर डिस्कशन विद बैंकर्स ट्रस्ट, पीएनजी डिसाइडेड टू बेट ऑन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स लेवरेज स्वॉप्स। कॉम्प्लेक्स लेवरेज स्वॉप्स उस टाइम के आईआरएस ही थी, ठीक है, उसमें एंटर होके ये अपनी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क थी ना, वो खत्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बीटी वुड पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन रिटर्न फॉर अ फ्लोटिंग रेट पेमेंट फ्रॉम पीएनजी, ठीक है, और पीएनजी एक फ्लोटिंग रेट देगा। अब ये हर बार 4% नहीं होगा, ठीक है, ये मार्केट के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन ये हमेशा प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो फिक्स्ड वाला होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा होता है हमेशा मार्केट रिस्क, मार्केट के इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, ऐसा नॉर्मल चलता था। बट क्या हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन एट फर्स्ट, बट देन फेडरल रिजर्व बिगैन टू रेट रेज इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, धीरे धीरे ना ये 4% का 6% हुआ, फिर 7% हुआ, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसे 10% जितना हो गया। तो इसमें क्या हुआ, पीएनजी को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था और बैंकर्स ट्रस्ट को कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था। और वो टाइम पे ना ये सब आईआरएस और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स का किसी को भी इतना नॉलेज था नहीं, ये 1990 की बात है, तो बहुत नया नया था सबके लिए, तो लोग एंटर कर जाते थे, और बैंकर ट्रस्ट का तो काम ही था। हाँ बोलो शिवम। ये एक दूसरे को देते थे क्या? एक दूसरे को देते थे,
बीटी फिक्स्ड इंटरेस्ट पीएनजी को देता था, और पीएनजी स्वॉप्स का जो भी फ्लोटिंग रेट चलता था वो बीटी को देता था। ओके तो फिर मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। हाँ, फेडरल रिजर्व के, इस फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट ना धीरे धीरे बढ़ने चालू हुए, ठीक है। तो 4, 6, 7, 8, और धीरे धीरे क्या हुआ, पीएनजी को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था और उसको रिसीव कम हो रहा था। पहले के इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस नहीं था, तो किसी को भी मेजर लॉस नहीं हो रहा था। और ये बीटी को कुछ फीस तो देता ही होगा एनीवे पीएनजी इसके लिए भी, कि उसने ये सब आइडिया वगैरह बताया। बट बीटी ने क्या ना, बीटी वॉज वेरी स्मार्ट। बीटी को पता ही होगा कि मार्केट में कभी भी कोई भी चीज ऐसे नहीं रहने वाली, ठीक है। बीटी को मालूम होगा कि नेक्स्ट मार्केट की क्या कंडीशंस होने वाली है, उस हिसाब से उसको पता होगा कि फेडरल रिजर्व के रेट बढ़ने वाले हैं, इस बढ़ने वाले हैं, इसलिए उसने इस तरह से पीएनजी को फंसा दिया, ठीक है। और फिर ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज था ना, इसकी वजह से पीएनजी को एक सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी देना पड़ा, जो कि जिसकी वजह से उसे बहुत लॉस हुआ, ठीक है। और फिर इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो इधर लिखा है कि इट चोज टू बी स्पेक्यूलेटर्स एंड नॉट जस्ट हेज रिस्क एक्सपोजर। बीटी ने क्या किया, बीटी ने सिर्फ रिस्क हेज करने की कोशिश नहीं की, उसने स्पेक्यूलेशन भी किया। इट्स लेवरेज एम्पलीफाइड द लॉसेस। लेवरेज इन सबके पास बहुत ज्यादा था, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जो जो भी कंपनी डूबी है ना, सब लोग लेवरेज की वजह से ही गए, ठीक है। सबका लेवरेज का रेशियो ऐसे ही रहता था। कल हमने देखा था किसी का 25:1 था, अभी भी देखोगे आगे किसी का 20:1 है। तो इनको क्या, ये जो बड़ा पोर्शन है ना ये लेवरेज का होता है, और छोटा सा जो पोर्शन होता है ना वो इनकी खुद का होता है, वो हमारी इक्विटी का होता है। लेकिन जब पीएनजी को लगा, अरे इधर तो बीटी ने मुझे थोड़ा ज्यादा ही उल्लू बनाया और बीटी ने खुद ने पैसे कमा लिए, तो फिर पीएनजी ने एक अल्टीमेटली सूड बीटी एंड वॉन अ जजमेंट ऑफ 78 मिलियन, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे जजमेंट जीता और उसे 78 मिलियन रुपीज वापस मिले, उसके $78 मिलियन। और सेवरल अदर फर्म्स हैड सिमिलर एक्सपीरियंस विद बैंकर्स ट्रस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जिनको सेम एक्सपीरियंस हुआ था कि बैंकर ट्रस्ट खुद के प्रॉफिट के लिए कुछ रॉन्ग रिस्क स्ट्रेटेजीज बताते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट इन एंड बैंकर ट्रस्ट को हो जाता है, और वो लोग जो अपनी रिस्क हेज करना चाह रहे हैं उनको लॉस हो जाता है। मैम डाउट लास्ट था, डाउट था लास्ट में। नहीं बोलो बोलो शिवम, बोलो क्या डाउट है। तो फिक्स लेक्चर से है क्या? लास्ट टू लास्ट लेक्चर से है। अच्छा, लास्ट लेक्चर का डाउट है, ठीक है, लास्ट में ले लूंगी फिर तो, ठीक है, फिर लास्ट में ले लूंगी, अभी मैं ये करा देती हूँ फिर। एंड द रिजल्टिंग रेप्यूटेशनल डैमेज वॉज टू मच टू ओवरकम, ठीक है। और बैंकर ट्रस्ट को इतना लॉस हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन का भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि पीएनजी वॉज नॉट द सिंगल कंपनी जिसके साथ उसने ऐसा किया था, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी थी, तो रेप्यूटेशन डैमेज भी हुआ, ठीक है, क्लियर है ये। और फिर बीटी, ये याद रखना, ठीक है, बीटी वॉज इवेंचुअली एक्वायर्ड बाय डॉश बैंक। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब ऑरेंज काउंटी, ऑरेंज काउंटी ना सबसे बहुत अच्छा केस है, ठीक है, इसके आने के चांसेस है, इसलिए मैंने ऑरेंज काउंटी अलग से ले रखा है। ये रहा ऑरेंज काउंटी, वेरी इंपॉर्टेंट केस। द केस ऑफ ऑरेंज काउंटी इन अर्ली 1990s, ठीक है, ये सब 1990s, 2002 इनके ही है। सर्व्स क्रिटिकल लेसन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेंजर डेंजर ऑफ लेवरेज, ठीक है। सबसे ज्यादा मेजर क्या प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में, ठीक है। पहली बात तो ये लोग ना, एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये लोग लेवरेज बहुत ले रहे हैं, ठीक है। इतने लेवरेज पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए कि जब आपको लॉस हो तो आप पूरा का पूरा खुद से भर ही ना पाओ। और क्योंकि अन कैपिटल कुछ मेंटेन नहीं कर रहे लॉस होने के लिए, ठीक है, कैपिटल कुछ रखते नहीं है, और उसके ऊपर से दे आर डीलिंग इन टू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसकी किसी को ज्यादा कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं, बस दे आर जस्ट डीलिंग बिकॉज उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो इधर भी यही सेम प्रॉब्लम था, ठीक है। देवर डीलिंग इन रेपोज, रेपोज और एक इनवर्स फ्लोटर करके एक चीज थी। अब इनवर्स फ्लोटर में क्या होता है, ठीक है, इनवर्स फ्लोटर में क्या होता है ना,
जैसे मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5% हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा ना, उससे ज्यादा रेट ये फ्लोटर का बढ़ता है, ठीक है, फ्लोटर उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ाता है। तो इनवर्स फ्लोटर क्या करता था, उससे थोड़ा ज्यादा रेट बढ़ाता था। जैसे मेरा अभी 5% बढ़ा है ना, तो इनवर्स फ्लोटर का 6% होगा। लेकिन इसका ही उल्टा भी होगा, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट गिरेगा गिरेगा और गिर के 3% होगा, तो इनवर्स फ्लोटर का गिर के डायरेक्टली 1% हो जाएगा, ठीक है। जितना तेज बढ़ता है उतना ही तेज गिरता भी है। मेरा नेट गया क्या रोहित, नेटवर्क इशू लग रहा है तुम्हें? अच्छा वापस से बोलती हूँ, वापस से बोलती हूँ। देखो शिवम, यहाँ पे ना ऑरेंज काउंटी में क्या था, ये लोग ना सारे के सारे ऑलमोस्ट इसमें डील करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डीलिंग, एंड देन लेवरेज भी इनका बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेवरेज इज टू मच एंड दे डोंट हैव कैपिटल, ये मेजर प्रॉब्लम है। अब ये लोग क्या करते हैं, दे आर डीलिंग इन इनवर्स फ्लोटर्स। इनवर्स फ्लोटर्स कैसे चलता है, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5% हुआ, तो मेरा इनवर्स फ्लोटर उससे भी तेज चलेगा और उससे थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज देगा। लेकिन ऑन द सेम पेज, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, 3% हुआ, तो मेरा इनवर्स फ्लोटर और तेजी से गिरेगा, ठीक है। अगर वो बढ़ता और तेजी से ना, तो वो गिरता भी और तेजी से, एंड गिरता तो और ज्यादा स्पीड से, तो वो गिर के 1% हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन हुई, पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, तो इनवर्स फ्लोटर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन एक टाइम पे जब वो गिरा ना, तो इनवर्स फ्लोटर उससे ज्यादा गिर गया। देखो यहाँ पे, अ रीपर्चेज अग्रीमेंट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग मैकेनिज्म वेयर वन पार्टी सेल्स अ सिक्योरिटी टू अनदर पार्टी विद अग्रीमेंट टू रीपर्चेज इट लेटर एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, ठीक है। व्हाट इज अ रेपो, कहाँ समझाऊँ, चलो इधर ही बता देती हूँ। व्हाट इज अ रेपो, रेपो में क्या होगा ना, बेसिक व्हाट इज अ रेपो का एक बेसिक डेफिनेशन यही होती है रियल लाइफ में। जैसे मैं ए हूँ, यहाँ पे बी है, ठीक है, मुझे आज की तारीख में 500 5000 रुपीज की नीड है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बी को बोलूंगी प्लीज गिव मी 5000 रुपीज, एंड आप 5000 के रुपीज में 5000 रुपीज दे दो, और आप इसकी जगह पे मेरा एक मेरी कोई ड्रेस रख लो, ठीक है। चलो बी भी कोई लड़की है, ठीक है, मैंने उसको बोला कि आप मेरी कोई महंगी सी ड्रेस रख लो जिसकी प्राइस है ₹6000, ठीक है, ₹6000 है, ठीक है। तो बी के पास मेरी ड्रेस रह गई, एक मिनट यार मैं थोड़ा एग्जाम्पल रेलेवेंट ले लेती हूँ। समझो मैं हूँ प्रिशा, ठीक है, यहाँ पे है आलिया भट्ट, ठीक है, यार ड्रेस एक्सचेंज करने में मुझे मजा भी आएगा ना, ओके, ठीक है। मैंने मुझे आलिया भट्ट से चाहिए, मेरे को आलिया भट्ट से चाहिए 50,000, ठीक है, थोड़े ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं आलिया भट्ट को ड्रेस दे दूंगी एक वर्थ ऑफ ₹70,000, ठीक है, एंड मैं उसको बोलूंगी चल तू मुझे इसके बदले में ₹50,000 लोन दे दे, ठीक है, और मैं तुझे ये पैसे वापस कर दूंगी 5 डेज के अंदर, ठीक है, आई विल रिटर्न इट टू यू इन 5 डेज। और अगर मैं तुझे 5 डेज में रिटर्न कर दूंगी, और 5 डेज में रिटर्न करके ना मैं ये ड्रेस तुझसे वापस लूंगी, ये जो 70,000 की ड्रेस है ना, आलिया भट्ट से वापस दे देगी, और इसके बदले में ये इसे 50,000 ना देके ₹53,000 देगी, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी पे करूंगी। इस चीज को बोलते रेपो, समझ में आया व्हाट इज अ रेपो, रेपो समझ में आया, हाँ ठीक है। तो फिर मुझे अपनी ड्रेस वापस मिल जाएगी, आलिया भट्ट को 50,000 के 53,000 मिल जाएंगे, और थोड़े दिन के लिए उसे ये ड्रेस पहनने में मिल जाएगी, मेरी मेरी चुरा के पहन रही है, ठीक है, चुरा के नहीं पहन रही, एक्चुअली हक से पहन रही है बेचारी, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो दिस इज अ रेपो, द डिफरेंस इन द सेलिंग एंड रीपर्चेज प्राइस एसेंशियली सर्व्स एज इंटरेस्ट ऑन द लोन, ठीक है। मतलब ये जो 50,000 और 53,000 के बीच का जो 3,000 का प्रॉफिट है, दिस सर्व्स एज, मतलब जो इंटरेस्ट जो भी मैंने दिया है, दिस सर्व्स एज द प्रॉफिट टू आलिया, ठीक है, प्रॉफिट टू आलिया। चलो अभी इस केस पे आते हैं अपन वापस से। ऑरेंज काउंटी का ट्रेजरर था रॉबर्ट सिट्रॉन, ठीक है,
इसने क्या किया, इसने रेपोज यूज किए सिग्निफिकेंटली टू एक्सपैंड काउंटीज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, अब ये खुद तो इतने पैसे ला नहीं सकते, तो ये लोग क्या करते थे, इतना बोरो करते थे, ठीक है, $12.9 बिलियन बोरो करते थे, और उसके बदले, और इसके साथ साथ इनके पास एसेट्स थे $7.7 बिलियन के। ठीक है, द काउंटीज इफेक्टिवली लेवरेज इट्स पोजिशन टू इन्वेस्ट हायर यील्डिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, उन्होंने लेवरेज इसलिए किया था जिससे उनको हायर, मतलब उनके पास जो सिक्योरिटीज है ना वो ज्यादा अच्छी दिखे। और ये जो ये एसेट्स है ना, ये एसेट्स को देवर यूजिंग एज कोलैटरल, जिसको जिससे भी पैसे लेते होंगे उसके पास कोलैटरल रख देते होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या चल रहा है ऑरेंज काउंटी में? हाँ, अभी इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे आते हैं। ठीक है, सिट्रॉन चूज टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ ऑरेंज काउंटीज एसेट्स। ठीक है, जितना भी था, मुझे नहीं पता, ठीक है, $7.7 बिलियन को वहां पैसे पार्क करते थे या क्या करते थे, लेकिन जो भी इनका था, अभी आगे पता चलेगा। इंक्लूडिंग द बोरोड फंड प्लस क्या था, हाँ, प्लस $12.9 बिलियन, ये सब बोरो करके ये कॉम्प्लेक्स इनवर्स फ्लोटिंग रेट नोट्स में यूज करते थे। ठीक है, इनवर्स फ्लोटर में लगाते थे ये सारे पैसे, इनवर्स फ्लोटर में लगाते थे। अब इनवर्स फ्लोटर कैसे काम करता है वो तो मैंने बताया ही है। दीज आर यूनिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर कूपन रेट डिक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस। ठीक है, कूपन क्या डिक्रीज होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। द स्ट्रेटेजी अपियर्ड साउंड इनिशियली बिकॉज इट अलाउड ऑरेंज काउंटी टू अर्न द रिटर्न दैट वर 2% हायर देन सिमिलर इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जाम्पल देखोगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इनिशियली ना उनको ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि उनको 2% का प्रॉफिट मिल रहा था बीच में। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऐसा कुछ रियल में ऑरेंज काउंटी के साथ क्या हुआ था वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है ना, तो इनवर्स फ्लोटर का कूपन रेट है 6%। ठीक है, समझ में आया? अगर ये 5 है तो ये 6 है, तो मुझे 1% का प्रॉफिट मिल रहा है। हाउएवर इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज टू 7%, अगर 7% पे राइज हुए ना तो, हाँ रोहित बोलो। लॉस फ्लोटिंग रेट जैसा ही है क्या? लॉस क्या फ्लोटर फ्लोटिंग रेट जैसा ही है क्या? इनवर्स फ्लोटर फ्लोटिंग रेट जैसा ही है क्या? ये मेरे को थोड़ा, मैं एक बार देख लूंगी। ठीक है, इस बारे में मैं एक बार रिसर्च करूंगी फिर मैं बताऊंगी। मुझे पूरा श्योर नहीं पता क्योंकि मेरे को खुद को इनवर्स फ्लोटर के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही मिनट, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, ये एग्जाम्पल मत रखना। ठीक है, 5% था तो 6% है, ठीक है, इतना रखना। और यहाँ पे ये लोगों ने क्या बोला है कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे, ठीक है, 7% पे, तो इनका जो इन्वर्स फ्लोटर है ना वो उसकी कूपन रेट डिक्रीज हो रहा है 4% पे। मतलब अगर थोड़ा सा इंक्रीज है ना तो ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर लेकिन ये इन्वर्स फ्लोटर क्या कर रहा है, जैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है ना तो फिर ये नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, कॉजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इनकम। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं क्या समझ रोहित, डाउट है कुछ? रहा नहीं समझा ना, एक बार और बताती हूँ। ठीक है, ये मेरा वाला ये जो पॉइंट था ना, ये जाने देना, मेरी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, यहाँ पे ये मत सुनना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर मेरा 5% है, ठीक है, तो मेरा फ्लोटिंग का कूपन रेट होगा 6%, लेकिन जैसे ही मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, समझो 7% बढ़ रहा है, तो मेरा जो कूपन है ना वो डिक्रीज हो जाएगा 4% पे। वो डिक्रीज क्यों होगा 4% पे? डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि एनीवेज मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना मार्केट में तो नो वन इज गोइंग टू बाय योर डेरिवेटिव। समझ में आया? जब तक ये नॉर्मल चल रहा है ना तब तक ये अच्छा कूपन देगा, ज्यादा देगा, लेकिन जब तक, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो नो वन इज गोइंग टू बाय, और ये कूपन रेट होगा ना कम हो जाएगा। ठीक है, बट ये उल्टा चल रहा है। ये वाला कंसेप्ट है, सो बीआरएम जैसा हुआ क्या? मतलब इसमें भी था नहीं, एफएमपी में, नहीं, ये तो कहीं पे एफएमपी में है, था। देखो इनवर्स फ्लोटर ना कहीं भी नहीं है। ठीक है, और इनवर्स फ्लोटर एग्जाम में पूछने वाले भी नहीं है। मैं बताना चाह रही इंटरेस्ट रेट हूँ फ्यूचर्स, क्या,
वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, इट्स नॉट इन्वर्स फ्लोटर. इन्वर्स फ्लोटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इसको किसी के साथ भी उसने रिलेट कूपन मत लेके करना. समझाया, तो उसने बोला था कि ग्रेटर देन 6% रहा, तो कूपन कौन लो कूपन होगा और हाई मेच्योरिटी होगा। से चैप्टर में देखा था, कुछ याद है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जा सकते। एक बार मुझे उसका फोटो भेज देना, फिर मैं उसके बाद समझा दूंगी जैसा भी है. हाँ एक बार मुझे भेज देना. और ये इनवर्स फ्लोटर में ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? क्योंकि मुझे खुद को भी पूरा प्रॉपरली इसके बारे में पता नहीं है. बट मैं एक काम करूंगी ना, नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा देख के फिर बताऊंगी. लेकिन अभी मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आया ना, कि पहले अगर आप नॉर्मल स्टेज पे हो ना, तो ये थोड़ा ज्यादा कूपन पे करेगा इंटरेस्ट रेट से. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, तो इसका कूपन रेट कम होगा. एंड ये नॉर्मल बॉन्ड्स जैसे बिहेव ही नहीं करता है, ठीक है? नॉर्मल बॉन्ड्स जैसे बिहेव नहीं करता है. समझ में आई मेरी बात? और इनवर्स फ्लोटर इज अ टाइप ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और नोट दैट ऑफर्स अ यूनिक कूपन पेमेंट स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल पूरा आया ही नहीं शिवम, मुझे एग्जाम्पल. एक काम करते ना, अपन देखते हैं. इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड्स हाँ देखो, वेयर कूपन रेट मूव्स विद अपोजिट डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. समझ में आया? शिवम इतना बड़ा एग्जाम्पल है, मेरी क्लास खत्म नहीं होगी और मुझे खुद को भी देखना पड़ेगा. मैं कोई काम करूँ, व्हाट्सएप पे भेजू, मैं इसको पूरा अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ, ठीक है? फाइन. सुनो अभी मेरी बात सुनो, ठीक है? यहाँ पे ना कम्प्लीटली डिफरेंट वे में बिहेव करता है, ठीक है? इंटरेस्ट और कूपन एक जैसे चलते नहीं है. पहले पहले ये चल भी रहे होंगे, ठीक है? इनिशियली जैसे ये 5 है ना, तो ये 6 है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हाउएवर इफ इंटरेस्ट रेट राइज टू 7%, तो कूपन रेट ऑन इन्वेस्टर्स माइट ड्रॉप टू 4%, कॉजिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इनकम, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ना, तो इनवर्स इनवर्स फ्लोटर एकदम अपोजिट रिएक्ट करेगा. समझ में आ रही है मेरी बात? अभी रिलायंस ऑन रेपो रोल ओवर्स, ठीक है? अब ये क्या, इनका जो रेपो था ना, इनके पास पैसे तो होते नहीं थे कि ये पैसे दे के वापस से करे. तो ये क्या, अपने रेपो को बार बार रोल ओवर करते रहते थे. जैसे एक मंथ का क्लोज किया, सेकेंड मंथ वापस से सेम टू सेम ओपन किया, ठीक है? सेकेंड मंथ में ये लोग वापस से सेम रेपो में एंटर होते थे, ठीक है? यहाँ पे इन लोगों ने वही लिखा है, स्ट्रैटेजी हिंक टू द एबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअसली रोल ओवर ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट. दिस मींस दैट ईच रेपो मेच्योर्ड, इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू रेपो, ठीक है? जैसे एक रेपो खत्म हुआ, नए रेपो में एंटर हो जाते थे, अलाउंग ऑरेंज काउंटी टू अवॉइड पेइंग बैक द बोरोड फंड्स इन कैश, ठीक है? इन लोगों ने जो लेवरेज ले रखा था ना, इनको बार बार रीपे नहीं करना पड़े और इनके पास लेवरेज हमेशा रहे, इसलिए ये लोग बार बार नए नए रेपो में एंटर होते थे. अब इनको सबसे ज्यादा लॉस कब होने लगा ना, ये वो वाली सिचुएशन है जब इंटरेस्ट रेट्स राइज हो गए बाय 2.5%, ठीक है? द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑन ऑरेंज काउंटीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? अभी ऊपर मैंने बताया, जैसे नॉर्मल चल रहे हैं तो कूपन 1% नॉर्मल चल रहा है. लेकिन अगर एक साथ 2% का इंक्रीज आया तो क्या हुआ? अपने कूपन डिक्रीज हुए ना. हाँ या ना? तो यहाँ पे सेम सिचुएशन हुआ. यहाँ पे क्या हुआ, 2.5% से कूपन इंक्रीज हुआ, ठीक है? पहले तो सिर्फ 2% से हुआ अपने पुराने एग्जाम्पल में, यहाँ पे 2.5% से इंक्रीज हुआ, तो अपना क्या कूपन रेट भी डिक्लाइन होगा, ठीक है? क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कूपन डिक्लाइन होगा. इस केस में समझ के रखना कि इंटरेस्ट रेट्स एंड कूपन रिएक्ट इनवर्सली. ओनली इन केस ऑफ इनवर्स रेट फ्लोटर्स.
रिएक्ट इन अ वाइस वर्सा मैनर। यहाँ पे देखो कूपन रेट्स डिक्लाइन हुआ है जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, रिड्यूस इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आईआर, ये जो भी इनको इन्वेस्टर फ्लोटर से इनको जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा ना वो कम हो गया क्योंकि कूपन रेट बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लगे और डिफिकल्टी इन रोलिंग रेपोस क्योंकि इनको लॉस होने लग गया। ठीक है, तो इनको जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करना रहता होगा ये लोग वो पे नहीं कर पा रहे होंगे और लोगों का इनके ऊपर से ट्रस्ट उठ रहा होगा। तो जब ये लोग बोलते होंगे ना कि मुझे रेपो रोल ओवर करना है तो लोगों को लगता होगा, ठीक है, जिनसे भी पैसे ले रहे होंगे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनको डर लगता होगा ना कि अब अगर हम इसको कंटिन्यू देते रहे तो फिर हो सकता है कि हमको ये पैसे वापस ना मिले। तो ये लोग क्या कर रहे थे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रेपो देने बंद कर दिए। ठीक है, सारा जो पैसा बोरोइंग में मिलता था इन लोगों को, लेवरेज मिलना बंद हो गया। लेवरेज मिलना बंद होगा तो इनका काम चलेगा क्या? सबका काम ऑलमोस्ट लेवरेज पे ही चलता था, तो इनका भी लेवरेज पे काम चलना बंद हो गया एंड दे हैड टू फाइल फॉर बैंकरप्टसी, मार्किंग वन ऑफ द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बैंकरप्टसीज इन यूएस हिस्टोरिकल एट दैट टाइम। ठीक है, इसको किसी ने लिया नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऑरेंज काउंटी जस्ट फाइल फॉर बैंकरप्टसी। ठीक है, समझ में आई? इसमें लेसन लर्न क्या क्या है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, रिस्क अंडरस्टैंड करना इज वेरी, ये तो अपने पूरे जो भी केस स्टडीज है ना सबका एक लेसन तो ये है ही कि रिस्क अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इन्वर्स रेट फ्लोटर है, अपने को ही समझ में इतनी दिक्कत आ रही है तो उनको कैसे पता होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? उनको नहीं पता होगा कि वो किस तरह के ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं, और अगर इनको नहीं पता ना तो दे शुड नॉट एंटर। और सेकेंड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, यू शुड नॉट एंटर इन टू प्रोडक्ट जिनके आपको प्रॉपरली नॉलेज ना हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट फुली अंडरस्टूड, जिनका पूरा पूरा आपको पता ना हो, नॉट टू एंटर इन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव कैन हैव इंट्रिकेट बिहेवियर दैट मे नॉट बी अपेरेंट पर्टिकुलरली अंडर चेंजिंग मार्केट सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट कंडीशन चेंज होंगे, पहली बात तो आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, फिर अगर वो उस टाइम पे एकदम कंप्लीटली अपोजिट वे में बिहेव करेगा ना तो यू विल नॉट नो कि हाउ टू हैंडल इट। लेवरेज, लेवरेज पे कंप्लीटली यू कांट ऑलवेज ट्रस्ट ऑन लेवरेज। ठीक है, कि आज मेरे पास लेवरेज है, लोग मुझे पैसा दे रहे हैं तो मैं इसी से काम करूं, यू नीड टू हैव सम कैपिटल बफर। और लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब क्या, कि इनको जो इनके पास जो एसेट्स वगैरह होंगे ना जो ये लोग देते होंगे कोलैटरल पे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये जो असेट है ना उसको बेच के इतना पैसा नहीं निकाल पा रहे होंगे। जैसे समझो 100 मिल डॉलर 100 मिलियन को बोरो करने के लिए मैंने $110 मिलियन का एसेट को कोलेटरल पे रखा है। ठीक है, अब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ट्राई किया होगा, ठीक है, इसको सेल करने का, ट्राई टू सेल, तो उसको जस्ट $90 मिलियन मिला होगा। ठीक है, तो ये जो $20 मिलियन का लॉस है ना वो सब इसको ही मिला होगा, वो सब ऑरेंज काउंटी के पास आया होगा। ठीक है, और उनका ऐसे ऐसे करके लॉस बढ़ता गया। बट स्टिल कल की क्लास में एक बार मुझे याद दिलाना, मैं एक बार ना ये अच्छे से खुद भी देख के आऊंगी इनवर्स फ्लोटर और फिर तुमको बताती हूँ कैसे होता है। ठीक है, अभी एक बार ले लो 5 मिनट, एक बार सब रीड कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, फिर आगे चलते हैं। आफ्टर 25th हम यूज करेंगे वो स्क्रिप्ट बुक वन के, क्या आफ्टर 25th एमसीक्यूज करेंगे। बुक वन के एमसीक्यूज? तो मुझे बता देना तुम्हें किसके चैप्टर के चाहिए। मुझे लगता है 25th या मैक्सिमम 26th तक तो मैं सिलेबस खत्म कर दूंगी, तो उसके बाद चैप्टर्स तो अपने सारे अच्छे से हो गए हैं, तो कुछ कुछ चैप्टर अगर ऐसे लगते हैं कि हाँ रिविजन चाहिए या फिर एमसीक्यू करने हैं तो बताना मुझे। और दूसरी क्लासेस में सिलेबस खत्म हो गया, बुक 3 बुक 2 का, बुक 4 का तो मुझे पता चल रहा है, बुक और बच्चों के बाकी होगा और सब हो गया ना, तो और सब में क्या करते हो तुम लोग?
मैं तो एनालिस्ट प्रेप भी कर रहा हूँ, फोरम भी कर रहा हूँ। अरे मतलब क्लासेस नहीं चलती क्या, जैसे बुक टू की क्लासेस नहीं हो रही अभी क्या? है क्लास कल, है क्लास कल है ना, आपकी? तो उसमें क्या रिवीजन ही करवाते होंगे सब लोग? हाँ मैम, फोरम से करवा रहे हैं हमसे कुछ। हाँ तो मैं भी यही करवाऊंगी, ठीक है? अपन भी एनालिस्ट प्रेप के क्वेश्चन कर लेंगे या फिर कुछ कुछ फोरम के देख लेंगे, और अपन भी ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे। अच्छा और अगर कुछ चाहिए, कोई मैं एक मॉक सॉल्व करवाना हो तो मॉक सॉल्व करवा दूंगी तुम लोगों को बैठ के। हाँ कर सकते हो, बट एक मॉक पहले दे तुम दीजिएगा। एक मॉक, वही मतलब मेरा ऐसा है कि मैं करा दूंगी ना तो तुम लोगों को हो जाएगा पूरा, लेकिन अगर तुम लोग एक बार पहले पूरा खुद देख के आओगे ना, 8th को मॉक कराओ। 8th को मैं अपना खुद खुद की सिचुएशन देखती हूँ, मैं यहाँ रहूंगी नहीं रहूंगी मुझे पता नहीं, मैं घर पे हूँ या नहीं देख लेंगे, अगर होगा तो कर लूंगी मैं, ठीक है? मैं क्योंकि मेरे को भी नेक्स्ट मंथ बैंगलोर जाना है, ये दिक्कत है। मम्मी ले देना एक मिनट, तब तो फिलहाल उसका तो मजा आने पड़ा। ठीक हाँ ठीक है, मैं मुझे पता नहीं है मैं कब तक हूँ, बट मोस्टली 7 नवंबर तक तो हूँ, उसके बाद पता नहीं है मेरा। उसके बाद मेरे को 2 हफ्ते बैंगलोर जाना है। तुम दोनों की एग्जाम 12th को ही है ना? ठीक है ठीक है, चलो अभी एक बार ये रीड कर लो, मैं आती हूँ 1 मिनट में, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ मॉर्निंग और इवनिंग ना, ये तो मुझे पता है। चलो ठीक है, बढ़िया है। अभी तो वो हो गया होगा ना बहुत कुछ सिलेबस कवर, या फिर पीछे चल रहे हो अभी भी, मतलब क्लास के साथ हो या फिर पीछे हो? शिवम का तो मुझे पता है, रोहित का मुझे पता नहीं है। हाँ हाँ फिर तो ठीक है, मतलब हो जाएगा। देखो तुम लोग की 2 क्लास का तो टाइमिंग भी आ गया है, एक 9 AM और एक 10:30 AM, कंटिन्यू कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। चले आगे वॉक्स वैगन पे, देखो वॉक्स वैगन इज अ केस ऑफ रेप्यूटेशन रिस्क, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, पर ये क्या, ये मैं बता दूंगी ना तो एक। हाँ शिवम बोलो, नीचे क्या छूट गई? देखो, इसके नीचे और कुछ भी दिया हुआ है, और काउंटी के नीचे अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये देखो सात्सेन लैंड्स लैंडेस बैंक, ठीक है? ये क्या है, ये भी वही है, ठीक है? दे वर ऑल्सो एंटरिंग इन टू ये सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट्स में एंटर करते थे इन जर्मनी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इन जर्मनी देर आर अ सीरीज ऑफ पब्लिकली ओन्ड बैंक्स नोन एज लैंडेस बैंक्स, ठीक है? ऐसे बहुत सारे बैंक्स थे जो इस नाम से जाने जाते थे, लैंडेस बैंक्स। दे स्पेशलाइज इन टू लेंडिंग लेंडिंग टू स्मॉल रीज लेंडिंग टू रीजनल स्मॉल एंड मिड साइज फर्म्स, ठीक है? ये स्मॉल एंड मिड साइज फर्म को लेंड करते थे।
लेंड करते थे, मतलब इन द mid 2000s द लैंडेस बैंक सॉ द प्रॉफिट पोटेंशियल इन यूएस सबप्राइम लेंडिंग मार्केट. ठीक है, ये तो सबको ही पता है कि 2007-9 का मेन क्राइसिस का रीजन कौन था. हाँ, 7-9 में मेन रीजन क्या था इतना क्राइसिस होने का? सबप्राइम सबप्राइम लोन्स थे. तो ये क्या, इनने देखा कि अरे सबप्राइम लोन्स अच्छा बहुत मार्केट में बहुत चल रहा है, तो इनने भी सबप्राइम लेंडिंग करनी चालू करी. और इन लोगों ने क्या किया, जो प्रॉफिट होता था ना ये अपनी कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाते थे. ठीक है, अपनी खुद की कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाते थे. जो लॉस होता था ना, तो ये सब कंपनीज के अपनी एक एसपीवी भी बना के रखती थी और लॉस सब एसपीवी में दिखाते थे. ठीक है, और ये जो एसपीवी है ना, इसकी बैलेंस शीट कोई नहीं देखता था. नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन सीइंग द बैलेंस शीट ऑफ एसपीवी, और उसको पब्लिकली दिखाना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, इट वॉज नॉट नेसेसरी. तो लोगों को जो प्रॉफिट प्रॉफिट दिखता था, और वो लोग भी ऐसे लोन्स में इन्वेस्ट करते थे जो सबप्राइम लोन्स होते थे. तो क्या हुआ, जब 2007-9 का क्राइसिस हिट हुआ ना, तो इन लोगों को बहुत मेजर लॉस हुआ. जैसे यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, दे स्टार्टेड सीइंग द प्रॉफिट इन यूएस सबप्राइम लेंडिंग मार्केट्स, फिर दे बिगैन टू एस्टेब्लिश ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज इन अदर कंट्रीज, दे कुड होल्ड सबप्राइम मॉर्गेज लोन्स. ठीक है, ये क्या करते थे, दूसरी दूसरी कंट्रीज में अपनी अलग अलग एसपीवी बनाते थे. ठीक है, और ये एसपीवी के अंदर सबप्राइम लोन्स का काम करते थे, और ये क्या प्रॉफिट दिखाते थे जब प्रॉफिट होता था, और लॉस होता था ना तो सब एसपीवी में बुक करते थे और किसी को ऐसा पता नहीं चलता था. लेकिन जैसे ही 2007-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ ना, सैटसेन, इट वाज वन ऑफ दिस बैंक्स, सैटसेन नाम था, सस्टेन्ड सच हैवी लॉसेस दैट इट हैड टू सेल इटसेल्फ टू अनदर जर्मन बैंक. ठीक है, ये जो सैटसेन लैंडेस बैंक था ना, सैटसेन लैंडेस बैंक, इनको इसको बहुत मेजर लॉसेज हुए जस्ट बिकॉज सबप्राइम लोन्स के सब, क्योंकि क्या हुआ, हाउस की प्राइसेस नीचे आने लगी. समझ में आ रही है ना मेरी बात, हाउस की सारी प्राइसेस डिक्लाइन होने लगी और 2007-9 का पूरा लॉस का सब, पूरा लॉस सब बाहर आ गया सब लोगों का. इसकी वजह से ये जो बैंक था ना सैटसेन, इसको इसको टेक ओवर कर लिया एक जर्मन बैंक ने. बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है. अभी रेप्यूटेशन रिस्क, रेप्यूटेशन रिस्क सबको ही पता है क्या होती है, कि कंपनी की रेप्यूटेशन की वजह से उसके शेयर की प्राइसेस गिरी, उसके प्रॉफिट्स को अफेक्ट हुआ. तो अभी क्या हुआ, सितंबर 2015 में वॉक्सवैगन, सबको ही पता है कि इट्स रिलेटेड टू कार. ठीक है, कार की कंपनियां. तो सितंबर 2015 में क्या हुआ, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को पता चला कि वॉक्सवैगन वाले पता है क्या करते थे, ये लोगों को हैज बीन अनएथिकल इन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसने अनएथिकल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करी है. और कैसे करी वो बताती हूँ. इट वायलेटेड, इनको क्या होता था ना, इनको एक ESG एथोस करके प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो इनको करना पड़ता होगा. ESG एथोस, बाय प्रोग्रामिंग द सॉफ्टवेयर ऑन इट्स व्हीकल्स टू ओनली कंट्रोल एमिशंस ड्यूरिंग रेगुलेटरी टेस्ट. ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जब एमिशंस को कंट्रोल करना होता था ना, ठीक है, ESG एथोस के अंडर में इनको दिखाना पड़ता था कि हमारी जो कार है इसमें एमिशंस कंट्रोल्ड है. हाँ बोलो शिवम. एमिशन मतलब अरे एमिशन मतलब ये सब कोल वोल जब हम डालते तो ये नहीं निकलती, गैसेस नहीं निकलती बाहर पीछे से. आई थिंक वही होता है जितना मुझे पता है, बट स्टिल एक बार मैं देख लेती हूँ. बट हाँ धुआं, मैं वही कहना चाह रही हूँ, धुआं. बट एक बार मैं देख लेती हूँ, जस्ट अ मिनट. ठीक है, मुझे दो. बट एमिशन मतलब जो एनवायरनमेंट को अच्छा ना हो, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ना हो. हाँ यही है, सही है, धुआं. ठीक है, हाँ. तो ये क्या है, इनको कंट्रोल करना था. ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग क्या करते थे, सिर्फ रेगुलेटरी टेस्ट में ना अपनी कार्स में कुछ ऐसा फिट कर दिया होगा इन लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह, जिसकी वजह से सिर्फ थोड़े टाइम तक के लिए ये एमिशन कंट्रोल में रहता होगा. और जैसे ही मैम और मेरे दोनों को हिंदी आती है सर. हाँ ठीक है, ठीक है. देखो सुनो मेरी बात, इधर सुनो. ठीक है,
यहाँ पे क्या है, इनको एमिशन कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट वाले हमेशा इस चीज को वरीड रहते होंगे, इस चीज को लेके कि ये कार वगैरह की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पल्यूट ना हो। तो इन लोगों ने कैसे रेगुलेटरी टेस्ट करते वक्त ना अपनी कार में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया कि थोड़े टाइम के लिए तो कार में कुछ भी एमिशन वगैरह सब कंट्रोल रहेगा, लेकिन जैसे ही कार सेल आउट हो जाती थी, लोग उसे थोड़े दिन चला लेते थे, उसके बाद वापस से ये एमिशन चालू हो जाता था। ठीक है, हर कार में से ये हो रहा था। तो इसका मतलब यही है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि बाय प्रोग्रामिंग द सॉफ्टवेयर ऑन इट्स व्हीकल्स टू कंट्रोल एमिशंस ड्यूरिंग रेगुलेटरी टेस्ट। ठीक है, जब तक इनके टेस्ट होते थे तब तक एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। और ये सब ना सारे वॉक्स वैगन व्हीकल्स पास्ड ऑल एमिशन स्क्रीन विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तब तक इनका सॉफ्टवेयर चलता था और सब कुछ अच्छे से हो जाता था, पूरा टेस्ट क्लियर होता था। बट द सॉफ्टवेयर स्टॉप्ड कंट्रोलिंग एमिशंस व्हेन द कार्स वर इन एवरीडे यूज बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, जब कंज्यूमर्स रोज रोज इस कार को यूज करते थे ना, तो हो सकता है 1 month 2 month चल रहा हो प्रॉपर, बट उसके बाद ना पूरा सॉफ्टवेयर खत्म, बंद हो जाता था। ठीक है, चलना ही बंद हो जाता था। और इसकी वजह से 2009 से लेकर 2015 के बीच में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट अफेक्टेड ओवर 10 मिलियन कार्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 10 मिलियन कार्स को अफेक्ट हुआ ये पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इंटरेस्टिंग है, क्या? इंटरेस्टिंग है मतलब उसमें, और दो तीन केस जैसा। हाँ, इसके अंदर देखो ना, ऐसा मतलब ये भी होता है, देखो कार वाले भी इस तरह की चीजें करते हैं। अभी इसमें क्या हुआ, कंपनी के रेपुटेशन बहुत अफेक्ट हुई, उसको जो भी फाइन वगैरह लगा होगा वो तो लगा ही होगा, क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन तो बाहर आएगी। तो जब इनके बारे में सबको पता चला ना, तो इनके रेपुटेशन को बहुत डैमेज हुआ। ठीक है, टू वॉक्स वैगन वॉज फास्ट एंड फ्यूरियस, और इसका जो शेयर प्राइस था ना, वो कट डाउन बाय 1/3 एज द स्कैंडल अनफोल्डेड। वॉक्सवैगन फेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पोटेंशियल फाइंस ऑन टॉप ऑफ डिक्रीज्ड, और इनकी जो सेल्स थी ना वो भी डिक्रीज हुई। ठीक है, बाय स्विचिंग ब्रांड लॉयल्टी टू अदर वेंडर्स, क्योंकि लोगों को क्या लगा कि अरे ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनको सबसे पहले फाइन लगे, इनके रेपुटेशन डैमेज हुई, इनकी सेल्स कम हो गई। ठीक है, और फिर एट वन पॉइंट जर्मन गवर्नमेंट इवन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट इम्प्रिमेटर मेड इन जर्मनी माइट सफर रेप्यूटेशनल डैमेज इन आफ्टरमैथ ऑफ एन एपिक लैप्स इन जजमेंट। मतलब ये कारण आपने पीछे लिखती होगी, मेड इन जर्मनी, तो वो जो कोर्ट है ना वो भी अफेक्ट हुआ होगा बाद में, क्योंकि कार तो वैसे भी, क्योंकि कार वालों ने जो पूरा वॉक्स वैगन था, इन लोगों ने बहुत बड़ा गफला किया था। ठीक है, छोटा मोटा नहीं था, 10 मिलियन कार्स इज अ बिग नंबर। समझ में आई मेरी बात? ये पूरा रेप्यूटेशनल डैमेज का केस है। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, अपने सीईओ, सीआरओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब की गलतियां होती है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ हो जाती है। ओके, अभी इसमें एक केस है अपने पास, एनरॉन। ये लोग गलतियां तो करते ही रहते, वैसे भी कंपनी के मेन लोग गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, और जब इनकी गलतियां बाहर आती है ना, तो फिर बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है कंपनी। इन 1985 द हाईली लेवरेज मर्जर इन इंटरनॉट एंड हॉस्टन नेचुरल नेचुरल गैस गेव बर्थ टू एनरॉन। ठीक है, ये दो कोई कंपनीज थे, इनको मिलके एक एनरॉन बना होगा, और एनरॉन का काम क्या था, कंपनी वुड रूटीनली परचेज गैस फ्रॉम वेरियस वेंडर्स एंड सेल इट टू नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, ये क्या करते थे, एक प्राइस फिक्स कर देते थे। हाँ, एक प्राइस फिक्स कर देते थे, और उसी प्राइस पे कस्टमर्स को गैस सप्लाई करते थे, और ये खुद भी गैस कहीं से लेते होंगे रूटीन मैनर में, और जो बीच का जो भी प्रॉफिट बनता होगा पहले खुद सस्ते में लेते होंगे और थोड़ा महंगे में बेचते होंगे, तो जो भी बनता होगा इनका प्रॉफिट वो ये रख लेते होंगे। टू कवर इट्स रिस्क एक्सपोजर टू गैस प्राइसेस एंड एनरॉन क्रिएटेड अ न्यू मार्केट फॉर एनर्जी डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसने ना एनर्जी डेरिवेटिव्स करके नया डेरिवेटिव बनाया, जिससे कभी प्राइस बहुत बढ़ जाए तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, या फिर बहुत घट जाए तो भी, ज्यादा बहुत घट जाएगा तो ये लोग सोचते ही नहीं थे,
बहुत बढ़ जाएगा, ये हर कोई सोचता था। होलसेल बिजनेस एनरॉन, करेक्ट। तो ये लोग क्या करते थे, एनर्जी डेरिवेटिव्स में एंटर हुए, ठीक है, प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, एक प्राइस फिक्स करने के लिए। फिर एनरॉन हैड 20,000 एम्प्लॉयज एंड नियरली 101 बिलियन डॉलर रिकॉर्डेड इन, इतना रेवेन्यू था, ठीक है, 101 बिलियन का इनके पास रेवेन्यू था और 20,000 इनके पास एम्प्लॉयज थे। अब रियलिटी कब हुई हुई, बड़ी बड़ी कंपनी थी इसलिए इनके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जब कोई बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ होती है ना तो सबको पता चलता है। अब इनमें क्या हुआ, इन रियलिटी कॉट अप विद एनरॉन इन दिसंबर 2001, विच इज व्हेन इट बिकेम लार्जेस्ट बैंकरप्टसी इन यूएस हिस्ट्री, ठीक है। इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से इसे बैंकरप्ट होना पड़ा। अब क्या गड़बड़ हुई थी ना, वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो था एजेंसी रिस्क। एजेंसी रिस्क का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लोग आते हैं ना, सीनियर मैनेजमेंट, इन लोगों ने क्या सोचा, इन लोगों ने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा और शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ सोचा नहीं, ठीक है, शेयर होल्डर्स के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, अच्छा खासा पहले कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेते हुए इन लोगों ने कंपेंसेशन ले लिया होगा, ठीक है, क्योंकि तब वो लोगों के पास क्लॉबैक प्रोविजंस और ये सब नहीं था, तो इन लोगों ने कंपेंसेशन ले लिया अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा के। और फिर बाद में जब लॉस हुआ तो शेयर होल्डर्स को अफेक्ट हुआ, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट बाद में जब शेयर होल्डर्स को पता चला होगा कि अरे ये सब तो इन लोगों ने सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए किया था, तो इट अफेक्टेड द कंपनी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया होगा। समझ में आया पहला पॉइंट, इन लोगों ने खुद के इंटरेस्ट को ऊपर रखा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से ज्यादा। फिर सेकेंड है लैक ऑफ बोर्ड ओवरसाइट। लैक ऑफ बोर्ड ओवरसाइट में क्या था, जो कंपनी का चेयरमैन था और सीईओ था एक ही पर्सन था, ऐसा हो सकता है, हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में कि कंपनी का चेयरमैन और सीईओ शुड नेवर बी द सेम पर्सन, अगर ऐसा है तो इट्स रॉन्ग थिंग। तो क्योंकि वो खुद को तो सुपरवाइज कोई कर नहीं सकता, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इफेक्टिवली सुपरवाइजिंग हिमसेल्फ, द बोर्ड ऑल्सो अलाउड एनरॉन सीएफओ टू ऑपरेट हिज ओन प्राइवेट इक्विटी फर्म एज वेल एज साइड बिजनेस। मतलब अगर कोई इंसान कंपनी में है तो क्या वो दूसरी जगह काम कर सकता है क्या, वो भी सेम इंटरेस्ट में, नहीं कर सकता ना, दैट इज मूनलाइटिंग, ठीक है, मूनलाइटिंग इज नॉट अलाउड, और अगर आप कर रहे हो तो यू नीड टू टेल इट, ठीक है। अब लाइक आई एम वर्किंग इन जीरोधा, मैंने ऑन द वेरी फर्स्ट डे बोला था कि आई एम इन टू टीचिंग ऑल्सो, इवन तो ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, रेगुलर है बट पता नहीं चलता ना व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इज नॉट हैपनिंग। तो कैसा कि मैंने बोल दिया है लाइक आई वर्क ऑन वीकेंड्स ऐसा करके, तो देयर शुड बी सम ट्रांसपेरेंसी बिटवीन बोथ द पार्टीज, ये थी, मतलब सीएफओ ने तो बता भी रखा था और उसको अलाउ भी करा कि हाँ ठीक है कर लो, फुल टाइम कर लो। एंड हमारे यहाँ पे कैसे लिखा है, क्लॉज लिखा है हमारे इसमें कि अगर आप कर रहे हो कहीं काम तो यू शुड मेक श्योर कि आप सेम इंटरेस्ट, जो मेरी कंपनी का इंटरेस्ट है वो दूसरी कंपनी का भी सेम इंटरेस्ट ना हो तो ही आप काम करो, अदरवाइज डोंट वर्क। तो बट ये क्या सेम इंटरेस्ट वाली कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो एनीवेज दिस वाज अ बिजनेस इन नेम ओनली एंड सर्व फंक्शंस ऑफ फ्यूनलिंग इवन मोर टू द सीएफओ पर्सनल कंट्रोल, ठीक है, सीएफओ ने भी पैसे बनाए होंगे, समझ में आया। अकाउंटिंग फ्रॉड, अकाउंटिंग फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, ये लोग ना लॉस कहीं और दिखाते होंगे, अपने में सिर्फ प्रॉफिट दिखाते होंगे, सबसे पहली बात तो ये लॉस का दिखाते होंगे, एसपीवी में लॉस दिखाते होंगे सारा, ठीक है, एसपीवी लोग बनाते हैं इसलिए कि वहां पे जाके अपना लॉस रिकॉर्ड कर पाए, और देखो फेक सेल्स दिखाते थे एंड देन मूव एनी रिजल्टिंग लॉसेस टू एन एसपीवी टू हाइड फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटिनी, जो लॉस होता था उसको एसपीवी में दिखाते थे जिससे लोग देखने ना जाए, और फेक सेल्स क्रिएट करते थे। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस, द कंपनी वुड रूटीनली कंस्ट्रक्ट अ फिजिकल एसेट एंड रिकॉग्नाइज इट एज अ रेवेन्यू एज सून एज प्रोडक्शन वॉज कम्प्लीट। ये क्या करते थे, जैसे चलो मैं आज कुछ कोई तो गैस का कुछ बना रही हूँ, ठीक है, सिलेंडर बना रही हूँ, तो
मैं अभी इसको बना रही हूँ, ठीक है? तो जब तक बना रही हूँ तब तक तो नहीं, जैसे ही ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता था ना, मैं इसकी डायरेक्ट सेल दिखा देती थी, चाहे मैंने सेल करी हो नहीं की हो, मैं ऐसे फेक सेल दिखा दूंगी, और एक्चुअल सेल होके कभी अगर लॉस होगा ना, तो उसको एसपी में मैं रिकॉर्ड करूंगी। देखो, एक्चुअल सेल है, व्हेन एक्चुअल सेल हैपेंड, इट वाज बरीड इन एन ऑफ शीट ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी, जिससे लॉस किसी को दिखे ना। समझ में आई मेरी बात? फेक सेल्स एंड लॉसेस एसपीवी में दिखाते थे, और बाहर के लोगों को इट वाज जब जस्ट यही दिखता था कि अरे कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट कर रही है। अब जो ऑडिटर थे ना, उनका भी फेलियर था। अभी कैसे बिग फोर है, पहले बिग फाइव थे। आर्थर एंडरसन वॉज वन ऑफ द बिग फाइव अकाउंटिंग फर्म्स, इट वॉज सोल ऑडिटर फॉर द एनरॉन, ठीक है? और एनरॉन का इकलौता ऑडिटर था आर्थर एंडरसन, ठीक है? और फिर इसने क्या किया, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट आर्थर एंडरसन वॉज इम्प्लिसिट इन दिस फ्रॉड एंड रिवोक्ड इट्स एबिलिटी टू प्रैक्टिस अकाउंटिंग, ठीक है? वो इस फ्रॉड के अंदर खुद भी इन्वॉल्व था, ऑडिटर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, और जब लोगों को पता चला होगा ना, तो उसका सब बंद कर दिया होगा, एंड उसे जो भी उसके सर्टिफिकेशन वगैरह थे और उसकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी ना, वो सब उसे रिवोक करनी पड़ेगी। और इसी चक्कर में एनरॉन का फ्रॉड कॉज बोथ फर्म्स टू फेल, एनरॉन खुद तो फेल हुआ और ये आर्थर एंडरसन था ना, इसको भी फेल कराया। समझ में आ गया पूरा केस? करेक्ट? ये केस क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा क्या फेलियर था, मेजर क्या फेलियर हुआ है? अरे मेजर फेलियर क्या था? रोहित जैसे लोग थे कंपनी में। देखो मुझे क्लियरली बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर था, ठीक है? चलो नेक्स्ट। ये सब ना, ये जो पैराग्राफ मैं स्किप कर रही हूँ ना, तुम लोग भी स्किप कर सकते हो, कुछ ऐसा खास है नहीं। साइबर रिस्क क्या है? कंप्यूटर्स वगैरह की वजह से जो रिस्क होती है ना, इसे साइबर रिस्क बोलते हैं। अब साइबर रिस्क का एक स्विफ्ट केस है, ये स्विफ्ट क्या करता तो था? जैसा ये हुआ है कि हैकिंग वगैरह नहीं आता है इसमें, हैकिंग क्या? वगैरह नहीं आता क्या? अरे पैकिंग में कहाँ आता है? हैकिंग हैकिंग हाँ, हैकिंग वाला केस है, हैकिंग वाला केस है, ठीक है? चलो मैं बताती हूँ स्विफ्ट क्या करता है, ठीक है? स्विफ्ट का क्या काम है, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, इंडिया में, शिवम बैठा है लंदन में, शिवम को मुझसे पैसे चाहिए, तो मैं उसको इंडियन अकाउंट में पैसे दे सकती हूँ क्या? देखो शिवम एकदम मस्त तालियां वालियां बजा रहा है, मैंने उसको लंदन पहुंचा दिया, तो फिर शिवम को अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं ना, तो मैं इंडिया के बैंक अकाउंट से तो कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, स्विफ्ट करके होता है, स्विफ्ट एक रेगुलेटर है, इसके पास अपना अकाउंट खुलाऊंगी और स्विफ्ट को पैसे दूंगी, जितने पैसे मुझे देने शिवम को, स्विफ्ट अपनी कुछ फीस वगैरह चार्ज करके शिवम को पैसे दे देगा सारे, ठीक है? जो भी होंगे वो कट कुटा के शिवम के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है? ये काम होता है, ये रेगुलेटर, ये एक ऐसे रेगुलेटर था, जैसे कोई इंडिया का बैंक है, फॉरेन का कोई बैंक है, उन दोनों को कोई ट्रांजैक्शन करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चलो सुनो मेरी बात। अभी देखो लास्ट केस है, खत्म हो जाएगा अभी सब, सिंसियरली सुनो। देखो स्विफ्ट वाला क्या करता था, अगर कोई दो कंट्रीज के बीच में हमें मनी एक्सचेंज करना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो वो ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं स्विफ्ट का यूज करूंगी, ठीक है? वो अपनी फीस वीस काट के जहां पे मुझे पैसे पहुंचाने, वहां पैसे पहुंचा देगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या था, ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? अभी देखो, इफ अ बिजनेस नीड्स टू मूव अ सम ऑफ मनी फ्रॉम बैंक इन टोक्यो टू बैंक इन बर्लिन, दो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंचाने, तो स्विफ्ट विल बी द व्हीकल यूज टू ट्रांसफर द मनी, ठीक है? समझ में आया? अब इसमें क्या हुआ, हैकर आ गए बीच में, कोई हैकर थे जिसने पूरा स्विफ्ट का सिस्टम हैक कर लिया, जो जो सिस्टम था ना, जैसे ये लोग पैसे इधर उधर ट्रांसफर करते थे, उसने पूरा सिस्टम हैक कर लिया, और उसने बांग्लादेश बैंक के अराउंड 81 मिलियन पैसे चुराए हैक करके। कैसे पैसे चुराए थे? मनी वॉज ऑन डिपॉजिट विद द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है? हो सकता है कि
बांग्लादेश बैंक किसी फॉर न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हो, लेकिन ये हैकर्स थे ना, इन लोगों ने कोई एम्प्लॉय के यूजर आईडी और क्रेडेंशियल्स वगैरह सब यूज करे। पता नहीं उसने उसे कहाँ से ये यूजर आईडी के क्रेडेंशियल मिले, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता, बट मिले। और उसने वो क्रेडेंशियल्स को यूज करके ये फंड्स की रिक्वेस्ट जनरेट करी। देखो, सीरीज ऑफ फंड्स, सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर फंड्स, ठीक है, सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट नहीं, सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट ऐसे उसने फंड करी, सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट बनाई कि फंड ट्रांसफर करो वेरियस लोकेशन थ्रू आउट द एशिया, ठीक है, एशिया के अलग अलग जगह पे करी। और ऐसे सब करने के बाद ना उसने यहाँ पे देखो, नो लॉन्गर, यहाँ पे तो ये लोग लिख रहे हैं कि हाँ ह्यूमंस की जगह पे हैकर्स, और ये लोग, ये हैकर्स जो कंप्यूटर को यूज करके हैकिंग करते, पैसे चुराते, ठीक है। और फिर इनका गोल तो था कि ये पूरे 1 बिलियन मनी को पैसे चुराए, लेकिन क्या हुआ, बीच में किसी को पता लग गया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने बोला होगा कि अरे पैसे मेरे पास नहीं आ रहे, कहीं और ही जा रहे हैं। तो फिर जैसे ही बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को पता चला ना, तो उन लोगों ने ट्रांजैक्शन को स्टॉप किया होगा, लेकिन जब तक उन लोगों ने ट्रांजैक्शन को स्टॉप किया, तब तक 81 मिलियन डॉलर, 81 मिलियन बैंक ऑफ फिलीपींस के पास जा चुके थे। वो हैकर का बैंक था, ठीक है। और ये जो हैकर थे ना, जब इन लोगों के पास पैसे आ गए ना, तो इन लोगों ने जो भी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, ट्रांजैक्शन के सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। देखो यहाँ पे लिखा है, द हैकर्स यूज्ड मालवेयर टू यूज्ड मालवेयर को यूज करके इन लोगों ने डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसफर एंड डिसेबल ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन नोटिफिकेशन। क्योंकि जब मैं कोई ट्रांसफर करती हूँ ना, तो याद देखा है, जब जीपे करते तो हमें अप्रूव करने का ऑप्शन नहीं आता, आता है या नहीं आता? जीपे तो करा होगा ना, जीपे करते तो अप्रूव करने का ऑप्शन आता है, हम कंफर्मेशन देते हैं, तो वो सब नोटिफिकेशंस वगैरह सब डिलीट कर दिए, और इतना लंबा लॉस हुआ, ठीक है, $80 मिलियन का लॉस किया पूरा। और जैसे ही बांग्लादेश को पता चला, और बांग्लादेश को पहले तो लगा कि अरे क्या हो रहा है, पैसे दिख क्यों नहीं रहे हमें, फिर उन्होंने अपने सिस्टम को एक बार रीबूट करके, मतलब पूरा बंद करके वापस से चालू किया, और जैसे ही उन लोगों ने चालू किया, तो उनको पता चला कि अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, जिसके अंदर फ्रॉड, सारे के सारे फ्रॉड ट्रांजेक्शन निकले। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया? चलो अभी क्विज करें। मोस्ट ऑफ दी ना जो हैकर जो थे अभी वही के होते हैं, कोलकाता में होते हैं और बांग्लादेश के साइड होते हैं, इंडिया में से। मैं इंडिया में हैकर इनको होते फोन हैं? है कर लो, इंडिया में मैं इनको हैकर फोन है होते कर हैं? लो। मेरे फोन में कुछ है ही नहीं पैसे, अभी मेरे इस महीने ही कहीं से पैसे ही नहीं आए हैं। 26 की बात इसमें करना है? एक सर्वे हुआ था मैम, उसमें बताया था अच्छा, कि कोलकाता से बहुत ज्यादा हैकर्स निकले, कोलकाता और बांग्लादेश से कनेक्टेड। ओके okay. पता नहीं, हैकिंग तो आजकल हर जगह ही चलती रहती है। एंड ये तो क्या, आजकल तो लोग हैं बहुत सारे तरीके, क्लिक द लिंक को क्लिक करो, बट मोस्टली ना, जब तक आप ओटीपी नहीं दोगे ना, तब तक आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। जो लोग ओटीपी देते हैं ना, उनके पैसे जाते हैं मेजरली। एक केस अभी वैसे मैंने आप देखा फेसबुक था देखो, आप कुछ भी करना। एक केस मैंने अभी देखा था, मैं बताती हूँ, मैंने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक, ये जो HDFC कोई तो पता नहीं, कोई तो बैंक था, आई थिंक एक्सिस बैंक था, बैंगलोर का एक केस था। उधर क्या हुआ कि कोई बंदी को कुछ दिक्कत आ रही थी, तो किसी बैंक के मैनेजर ने कॉल करके ओटीपी ली, और ओटीपी से सारा पैसा लेके भाग गया। ये बैंक का मैनेजर ने किया ऐसा, सोचो। तो अभी तो कुछ सेफ नहीं है, मैनेजर वगैरह को तो अपन ओटीपी देते ही है ना, बिकॉज वी ट्रस्ट देम कि हाँ बैंक का ही बंदा है, क्या करेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा कि साइबर रिस्क में आएगा, साइबर साइबर रिस्क में आएगा। अच्छा, ये किसी भी रिस्क बैंक, वो नहीं, जो आपका जो एक्सिस बैंक, एग्जाम्पल। कोई साइबर रिस्क में आएगा, बैंक वालों की क्या गलती है उसमें, वो लोग तो नजर रखते हैं। अब ऐसा कोई कर रहा है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, साइबर रिस्क। तो मैं मैनेजर ही उड़ी मैं, तो वो तो कॉर्पोरेट गवर्नमेंस का हो गया ना, तो सीनियर मैनेजमेंट बट का आई तो थिंक, हो अरे गया। बट मैं बैंक मैनेजर को तो पकड़ लिया है ना बाद में, ऐसे थोड़ी क्यों उड़ने दिया उसको लेके भागने के बाद, उसको तो पकड़ा है ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होगा, कंपनी तो हेल्प करी ना।
क्योंकि उन कंफ्यूजन है दोनों में, किसने मतलब इसको पिच करें। नहीं, साइबर रिस्क में अगर कंपनी इन्वॉल्व होती इसमें तो फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेते, लेकिन कंपनी वॉज नॉट इन्वॉल्व, बैंक वॉज नॉट इन्वॉल्व ना, तो फिर नहीं। चलो अभी मॉड्यूल क्विज 9.3 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस मोस्ट लाइकली प्रेजेंट अ रेप्यूटेशन रिस्क? ठीक है, द सीएफओ ऑफ रीजनल बैंक अनाउंस्ड दैट, मैं क्या सीख लू, हैक करना, अब मेरे पास आ रहे पैसे मैं क्यों हैक करूं, को जरूरत नहीं है। चलो, द सीएफओ ऑफ रीजनल बैंक अनाउंस दैट इट इज यूजिंग फाइनेंशियल इंजीनियरिंग टू मैनेज रिस्क, ये कुछ रेप्यूटेशन रिस्क के रिलेटेड है क्या? नहीं है, पहले तो नहीं है। फिर द रिस्क मैनेजर बाइज वन एसेट एंड सेल्स अनदर इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द प्रॉफिट बिटवीन टू, ये भी नहीं है। फिर क्या है, द रीजनल मैन्युफैक्चरर इज र्यूमर्ड टू बी रिप्लेसिंग ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग विद बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकल प्रोडक्ट्स, ये है क्या? ये है एक बार नीचे गई पढ़ लेते फिर बताते हैं। ठीक है, द अनमोनिटर्ड इक्विपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इज र्यूमर्ड टू बी द कॉज ऑफ सीरीज ऑफ वाइल्ड फायर्स दैट कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट डैमेज, दोनों ही मेरे को तो लग रहा है। एक बार देखते पीछे चलनी चांस मैम ऊपर वाले में तो पॉजिटिव है और नीचे वाले में नेगेटिव है, तो नीचे वाला ही होना चाहिए। है। एक ही मिनट, एक बार और देख लेते हैं क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। ऊपर वाले में तो पॉजिटिव बता रखा है और नीचे वाले में नेगेटिव बता रखा है। हाँ, नीचे वाले में नेगेटिव बता रखा है, वही होगा, बट मैं आई वॉज स्टिल चेकिंग क्योंकि मुझे श्योर नहीं था। समझ में आया है ना, पर दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई ना? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ लेसन लर्न फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ एनरॉन? एनरॉन के कोलैप्स से क्या हमें पता चला? पहली बात तो ये यहाँ के जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसको देख के यही पता चला था कि चेयरमैन और सीईओ हमेशा अलग अलग होने चाहिए। अभी एक बार चेक कर लेते, इंडिपेंडेंट एंड एथिकल ऑडिटर्स आर नीडेड एज अ डबल चेक टू मिटिगेट एजेंसी रिस्क। एजेंसी रिस्क से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, चाहिए, लेकिन एजेंसी रिस्क नहीं लिखी थी। एजेंसी रिस्क तो शेयर होल्डर्स से ज्यादा खुद का इंटरेस्ट रखना होता है। फिर द रोल्स ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड एंड सीईओ शुड बी सेपरेटेड फॉर एनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड सीईओ शुड बी सेपरेटेड, ये तो है ना। एक ही मिनट, द इंडिपेंडेंट एंड एथिकल ऑर्डर्स आर नीडेड एज अ डबल चेक टू मिटिगेट एजेंसी रिस्क, ये भी होगा, एजेंसी रिस्क को भी करने के लिए, बट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हर एक चीज के लिए चाहिए, ठीक है। फिर द बेस्ट वे फॉर कंपनी टू अवॉइड फ्रॉड इज फॉर सीईओ एंड सीएफओ टू बी इन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट रिगार्डिंग इंटरनल पॉलिसीज, ये है, ये नेसेसरी है क्या कोलैप्स ऑफ एनरॉन के लिए? द बेस्ट वे फॉर कंपनी टू अवॉइड फ्रॉड इज फॉर सीईओ एंड द सीएफओ टू बी इन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट। सीईओ और सीएफओ को कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट में रहने की जरूरत है क्या? सीएफओ तो नेसेसरी भी नहीं है, कहाँ है सीएफओ का, कहाँ लिखा है ऐसा? पूरा एनरॉन केस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चेयरमैन और सीईओ के बीच का रिलेशन लिखा है, लेकिन सीएफओ इज नॉट नेसेसरी। सीएफओ तो यहाँ पे खुद का काम कर रहा है, तो सीएफओ इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जो है कॉन्टेक्स्ट होना ही चाहिए ना, तो इंटरनल पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। हाँ, बट सीआरओ रखते हैं ना, सीएफओ की बात तो हमने कहीं भी नहीं कर रखी है। आप सीआरओ रखो, सीएफओ के लिए कहाँ लिखा है? मतलब वो सीएफओ मतलब अपन, क्या, हाँ, फाइनेंशियल ऑफिसर। बट उन दोनों का कांस्टेंट कांटेक्ट होना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सीएफओ रखो, बट उन दोनों का कांस्टेंट कांटेक्ट होना नेसेसरी है, वो कहीं नहीं लिखा है। वो तो इवन चेयरमैन और सीईओ के लिए भी नहीं लिखा है। फिर एग्रेसिव अकाउंटिंग टेक्निक शुड बी हाईली स्क्रूटिनाइज्ड, ये तो सही है। अभी थर्ड वाला आप लोग ही मुझे आंसर बताओ, छोटा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइबर रिस्क, बताओ मुझे।
साइबर रिस्क इज ओनली अ डेंजर फॉर बैंक्स, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी साइबर रिस्क इज डेंजरस। फिर साइबर रिस्क मस्ट बी रिटेन्ड एंड मिटिगेटेड विद इंटरनल रिसोर्सेस, यस वी शुड कीप अ चेक। फिर साइबर रिस्क इज लेस ऑफ एन इश्यू ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन। चलो शिवम को आंसर पता चल गया है। साइबर रिस्क इन्वॉल्व द पोटेंशियल फॉर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड ब्रीच, ये करेक्ट है। ठीक है चलो हो गया। 7:30 पे तो आजकल, चलो अब कल कल का सेशन, आई थिंक कल का ये चैप्टर छोटा है, कल का देखते कल ही खत्म कर लेंगे। मैं तो बोलती हूँ 2 घंटे की क्लास ले लेती हूँ कल। हाँ शिवम बोलो बोलो, डाउट बोलो। कौन पेज नंबर 131 पे जाओ, सा वाला? 131 131 131। केस बताओ ना। दो है तो पता नहीं, रोलिंग है हाँ ऐसे बोलो। ना हाँ हाँ बोलो। ऊपर 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 और आगे, देखो सेकंड और थर्ड, ऊपर नीचे नीचे, ये देखो स्टैटिक और ये डायनामिक है। एक ना डायनामिक और इसके नीचे वाला करेगा रोलिंग हेज, रोलिंग है जो डायनामिक, रोलिंग है ये जो सम डायनामिक दोनों। रोलिंग हेज और डायनामिक दोनों ना। देखो डायनामिक का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है, समझो मैंने मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई पोजीशन ली है जिसको मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है। मैं आई एम नॉट श्योर कि वो पोजीशन सही है या गलत है, ठीक है, तो मुझे उसको बार बार चेंज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। तो अगर मुझे जैसे स्टैटिक हेजिंग था ना, तो मैंने 1 महीने के लिए कोई सिचुएशन ली और 1 महीने बाद मैं एग्जिट कर दूंगी, ठीक है, तो स्टैटिक होता है। लेकिन डायनामिक क्या है, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म होता है, मोस्टली लॉन्ग टर्म होता है। और मुझे क्या है, मुझे बार बार अपनी पोजीशंस बदलनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, मुझे बार बार रोल ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एक बार में लॉस बुक नहीं करना, लॉस या प्रॉफिट जो भी, मुझे एक बार में बुक नहीं करना। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सिचुएशन को, अपने अपनी जो ये है ना पोजीशन, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बार बार अपने फ्यूचर्स को या फॉरवर्ड को रोल ओवर करती रहूंगी। रोल ओवर करने का मतलब क्या होता है, जैसे नवंबर के मंथ में समझो अक्टूबर ले लेते हैं। ये मेरा अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो मैंने क्या किया, 15 अक्टूबर को एक फ्यूचर ले लिया, ठीक है, किसी का तो फ्यूचर ले लिया, समझो SBI का फ्यूचर ले लिया 830 रुपीज का, ठीक है, अक्टूबर मंथ का। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो प्रॉफिट चाहिए था ना वो मुझे मिला नहीं, तो जैसे ही 31 नवंबर आएगा तो ये वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर होने वाला होगा। तो मैं क्या करूंगी, 1 नवंबर को वापस से फ्यूचर्स 8:30 का नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊंगी, ठीक है, 8:30 का नवंबर की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊंगी। फिर नवंबर में ही मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो मैं दिसंबर में, अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं ये क्लोज करूंगी और फिर मैं यहाँ पे नई पोजीशन लूंगी। तो मैं जब ये न्यू पोजीशन लेती हूँ ना, तो ये जो मैं बार बार करती हूँ ना, इसको मैं रोल ओवर करती हूँ। और जब मैं बार बार रोल ओवर कर रही हूँ ना, तो दैट इज अ डायनामिक हेज, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक हेज। और मैं बार बार इतना चेंज कर रही हूँ, तो सबसे पहली बात तो इसमें मेरा बहुत टाइम इन्वॉल्व होगा और मुझे बार बार सुपरविजन रखना पड़ रहा होगा कि मेरा भाई प्रॉफिट आया या नहीं आया। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये चेंजिंग मार्केट कंडीशंस की वजह से होता है और मुझे बार बार सुपरवाइज करना पड़ता है, एंड इट इज मोर कॉस्टली देन स्टैटिक हेजिंग। अगर मेरे को 1 ही महीने में प्रॉफिट बुक हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। समझ में आया, रोल ओवर भी समझ में आया और डायनामिक भी समझ में आ गया, ठीक है। और कोई डाउट? तो मैं क्लास एंड कर दूं आज की, कल कल भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, कल भी मैं 6 बजे रख दूंगी, 6 बजे ही कर लेंगे, 6 to 8 जैसा रखना, 6 to 7:30 में ट्राई करेंगे खत्म करने का, नहीं तो 6 to 8, ठीक है। चलो एंड कर रही हूँ, बाय, टेक केयर।